हेलो फ्रेंड, दिस इज सतीश नामदेव एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो। मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से वैकेंसी लेके आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इसी मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो आई हुई है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार से आई हुई है। तो अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं, पर mgcub.ac.in, जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जैसे आपको शो हो रही है। यहाँ पर हम टॉप में देखेंगे करियर शो हो रहा है, करियर को जैसे क्लिक करेंगे करियर का पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, जैसे टीचिंग पोजीशन के लिए जो वैकेंसी आई हुई लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर लिखा है रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं इन सारे डिटेल्स की बात करूंगा, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसे हम इस लिंक में क्लिक करेंगे कुछ आपको इस तरीके के पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जैसे आपको शो हो रही है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो हम यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है कि जो इसका फॉर्म होगा, फॉर्म फिलअप का जो आपको जो फॉर्म इनवाइट किया गया है ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में दिया है, और यह स्कूल ऑफ दिया है जो स्कूल है स्कूल का नेम। एंड डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसमें लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है अनरिजर्व, एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है एसटी के लिए, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें देख सकते हैं अनरिजर्व में सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एसटी एससी ओबीसी सभी कैटेगरी का अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर में केवल यहाँ पर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो केवल उन्हीं को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो नेक्स्ट वैकेंसी की नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन एंड अदर की बात कर लेंगे। यहाँ पर डिफरेंट जो आपका डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है, तो हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं अप्लीकेशन की फीस के, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 फीस पे करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वोमेन कैंडिडेट, ऑल वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपके क्वालिफिकेशन है यूजीसी के जो आपका रेगुलेशन होता है, यूजीसी के माध्यम से जो रेगुलेशन 2018 का है उसके अनुसार होगा। तो मैं आपको पीडीएफ जो रेगुलेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन के जो आपको पीडीएफ दिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हम यहां पर लास्ट में बात करते हैं, पहले आप कुछ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहां पर पे लेवल की बात की गई है, पे स्केल की बात की गई है। पर प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13 है, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एकेडमी पे लेवल 10 की बात की गई है। यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंस से नोट्स में दिया गया, दिस इज अ रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर 21 अक्टूबर 2019 मंडे कंसीडर इन द नेक्स्ट फेस स्कूटनी। एंड अगर आप 21 अक्टूबर के बाद आपका जो एप्लीकेशन रिसीव होगा, तो नेक्स्ट फेस के लिए आपको स्कूटनी या इंटरव्यू के लिए आपको अलग से रख लिया जाएगा, जिससे आपको बाद में भी आपको कॉल कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, बट आपको 21 से बिफोर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे आपको रीड करना है और केयरफुली आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई इसमें ज्यादा टफ इन्फॉर्मेशन आपको जो कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन का जो आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। मैंने एडवर्टाइजमेंट रीड किया है फुल और तभी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, वेबसाइट में अवेलेबल हो गई है। एंड आपको 21 अक्टूबर मंडे टिल बिफोर 12:59 and 59 hours में लगभग आपको 1 बजे तक, 1 बजे से पहले 21 अक्टूबर 2019 से 1 बजे से पहले आपको फर्स्ट फेज के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट फेज के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। आप अगर आप 21 अक्टूबर के बाद आपका फॉर्म रिसीव होगा तो आपको उसमें सेकंड फेज के लिए भी आपको इंटरव्यू के लिए आपको वहाँ पर देख सकते हैं। एंड आपको जो हार्ड कॉपी होगी, हार्ड कॉपी जैसे करते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास पीडीएफ जनरेट होगा एंड सेल्फ असिस्टेड के साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर लिखा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स एस प्रूफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कास्ट स्टेटस जो भी आपको यहाँ पर है, तो आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको दिए हुए एड्रेस में, जो कि आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया गया है, बिफोर 31 अक्टूबर 2019 5 बजे शाम को, तो आपको वहां पर फॉर्म फुल फिलअप करने के बाद आपको वहां पर सेंड करना होगा हार्ड कॉपी में, जो कि आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के थ्रू, आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको सेंड करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, एंड आपके साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा उनका सभी को अटैच करना पड़ेगा। एनी पर्सन हु आर वर्किंग इन, कोई भी पर्सन जो पीएससीयू में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उनके लिए एनओसी के प्रेजेंट करना होगा एंड रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के टाइम पे, बट उनको अभी अटेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बट उनको एप्लीकेशन के साथ आपका सर्टिफिकेट एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का जो भी है तो वहाँ पर आपको सेंड करना पड़ेगा, और साथ में जो आप एनवलप्स लेंगे एनवलप्स के टॉप में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ है, यहाँ पर जो आपका जिस डिपार्टमेंट में आपका लाइब्रेरी में है, आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है, आप जिस पोस्ट में अप्लाई करने चाहे पोस्ट आप एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर नोटिस बोर्ड दिया हुआ है, नोटिस बोर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नोटिस नंबर भी आपको दिया है, आप वहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं पर जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की है, यहाँ पर आपको यूजीसी रेगुलेशन 2018 के द्वारा मान किया जाएगा, यहाँ पर नेशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ में जो आपको दे दूंगा लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से अभी आप डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रही है सारी इन्फॉर्मेशन हमें अच्छे से रीड कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बाद हमने सारी डिटेल से देख लिए हैं, यहाँ पर हमने बात की है यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो थोड़ा सा पीडीएफ के यहाँ पर दिया, पीडीएफ में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ में लिंक जैसे ओपन करेंगे हमें यहाँ पर यूजीसी का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर में 4 में देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 4.1 में देखेंगे यहाँ पर, तो उसके क्लाइब एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर यहाँ पर सहायक आचार्य के लिए दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, आपके जो इक्विवेलेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सह आचार्य के लिए, यहाँ पर आचार्य के लिए, आचार्य मतलब प्रोफेसर, सह आचार्य मतलब एसोसिएट प्रोफेसर, एंड यहाँ पर दिया हुआ है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया गया है, यहाँ पर आप अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो वहाँ पर आप जरूर अप्लाई करिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट करियर का जो पेज ओपन किया था उन्होंने आपको यहाँ पर लिंक अप्लाई नाउ के लिए ग्रीन बटन दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके के आपके साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, पहले सबसे पहले यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है सो आई एग्री करना पड़ेगा, बैंक चार्ज या नेशनल जो यहाँ पर दिया हुआ नॉर्मल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना पड़ेगा, अदर किसी जैसे यहाँ पर लिखा है कि मनी ऑर्डर, डिमांड ऑफ चेक, आईपीओ, एटीसी बिल भी रिजेक्टेड, एंड आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम
अपना नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फुल नेम एंड फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको यहाँ पर फिलअप करने की जरूरत नहीं। आपको एक्टिव ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर, सेक्स, कैटेगरी जैसे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी, यस नो, पासवर्ड आपको करना पड़ेगा एंड देन आपको कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको मोबाइल में मैसेज एंड ईमेल आईडी में आपको यहाँ पर सो हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है लॉगिन के लिए, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है। साइनिंग करेंगे, जैसे साइनिंग करेंगे आपको यूजर आईडी, आपने जो यूजर आईडी जो भी दिया हुआ है वो यूजर आईडी, ईमेल आईडी यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। देन आपको पासवर्ड है आपको जनरेट आपने जो चूज किया है उसके डालना है। देन आपको यहाँ पर कैप्चर डालना पड़ेगा एंड लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको स्टेप टू स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करना है, फोटो अपलोड करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है एज पर इंस्ट्रक्शन। एंड मैं आपको कुछ नॉर्मल डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जैसे कि आपको एड्रेस एंड एड्रेस दे दूंगा, आपको प्रोवाइड लिंक दे दूंगा एंड मैं आप लोगों का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और लाइब्रेरी रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।